हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम निशा अरोड़ा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए तीन ब्रेकफास्ट रेसिपीज, जिसमें हम सीखेंगे तीन तरह के चिल्ले बनाना। कैसे सिंपल और इजी खाना खाके भी वेट लूज किया जा सकता है ना, वो भी बहुत आसानी से अपने किचन के सामान से। कौन कहता है कि वेट लूज जर्नी बहुत ज्यादा महंगी है, कौन कहता है वेट लूज जर्नी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरे लिए तो बहुत आसान थी, पता नहीं बेसन का चिल्ला बनाने के लिए आपको जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो है, मैंने यहाँ पे दो स्मॉल अनियंस को कट किया है, साथ में मेरे पास है एक चम्मच अजवाइन। अजवाइन आपका वेट लॉस करने में अच्छी खासी हेल्प करती है, और अभी आगे विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर्स में हमें अजवाइन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। यहाँ पर मैंने ली है दो ग्रीन चिलीज जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, एक टमाटर, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं डालना चाहें तो आप अवॉइड कर सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पर लिया है 5 चम्मच बेसन। मैं हमेशा ही आपको अपने YouTube वीडियोस में बताती हूँ कि मैं 3 लोगों के लिए रेसिपी बनाती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा 1 कटोरी बेसन लिया है, लेकिन आप 2 चिल्लों के लिए जितनी नीड हो उतना ही बेसन लें। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हम एक पतला बैटर बनाएंगे और उसके बाद हम उसे बेसन का चिल्ला बनाएंगे। यहाँ एक बड़े बॉल में मैंने बेसन को ट्रांसफर कर लिया है और मैं बाकी के सारी चीजें भी इसमें ऐड कर दूंगी। हम इसमें डालेंगे अजवाइन, ग्रीन चिलीज, अनियंस एंड लास्ट टमाटोज। बिल्कुल सिंपल चिल्ला है, आपको बहुत ज्यादा सब्जियां ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर वेट लॉस सिंपल चीजों से ही किया जा सकता है तो क्यों हम महंगी महंगी सब्जियों का इस्तेमाल करके ही वेट लॉस करें। इन सब चीजों को आप मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक और काली मिर्च। ध्यान रखिए, आपको लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, आपको नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें ग्रीन चिली का यूज किया है। मैं इसमें 1/2 स्पून नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोशिश कीजिए नमक आप जितना कम लेंगे उतना ही आपकी वेट लॉस जर्नी में आपकी हेल्प होने वाली है। और साथ में मैंने यहाँ ली है थोड़ी सी काली मिर्च। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, आप चाहे तो थोड़ा सा दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका हम पतला बैटर रेडी कर लेंगे।
चिल्ली को थोड़ा सा कलर देने के लिए मैंने इसमें 2 पिंच हल्दी का भी इस्तेमाल किया है। ये हमारा चिल्ले का बैटर बनके रेडी हो गया है। हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे और उसके बाद हम अपना चिल्ला प्रिपरेशन रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने तवे पर 1 स्पून ऑलिव ऑयल लिया है। आप चाहें तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करना है, आप 1 स्पून देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कोई भी दूसरा तेल लाइक मूंगफली का तेल ले सकते हैं, बट आपको रिफाइंड तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम अपना जो चिल्ले का बैटर है वो इस पे डाल देंगे और इसको राउंड शेप हम दे देंगे। ये देखिए कितना अच्छा चिल्ला बनके रेडी होने वाला है। आप 2 चिल्ले बेसन के ये ब्रेकफास्ट के टाइम में खा सकते हैं। इस साइज का चिल्ला अगर आप बना रहे हैं तो आप 2 चिल्ले थोड़ी सी दही या चटनी के साथ आप खा सकते हैं और इसको हम तब फ्लिप करेंगे जब ये अच्छे से पूरा ऊपर से पक जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी कुकी चिल्ले का वेट कर रही है क्योंकि ये भी हमारे साथ हेल्दी डाइट खाती है ना कुकी, है ना बच्चे, हाँ मेरे बेटा। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो चिल्ला है वो अच्छे से पक के रेडी हो गया है, थोड़ा थोड़ा यहाँ से सूख भी गया है। अब हम इसको फ्लिप कर देंगे। आप देखिए पीछे की साइड से कितना क्रिस्पी हो गया और ये खाने में बहुत ही ज्यादा मजेदार है। बिना खर्चे के भी आप वेट लॉस कर सकते हो। अपने घर की किचन में इतना सारा सामान होता है, अगर हम टेक्टफुली यूज करें तो इन चीजों का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से वेट लॉस किया जा सकता है। हमारा चिल्ला दोनों तरफ से पक के रेडी हो गया है, आप ये देखिए। अब मैं इसको फ्लिप कर रही हूं तो ये हमारा बेसन का जो चिल्ला है वो बन के रेडी हो गया। अभी इसको आप थोड़ा सा यहाँ से और पकाएंगे तब ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। ये हमारा बेसन का चिल्ला बन के रेडी हो गया है। इसके साथ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हरी पुदीना और धनिए की चटनी। आपने सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना कि आपको टमाटो सॉस का इस्तेमाल नहीं करना। घर पर बनी आप किसी भी चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं और चटनी भी आपको लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेनी है। तो अब बारी है हमारी आज की दूसरी चिल्ला रेसिपी की। दूसरी चिल्ला रेसिपी हमारी रहेगी ओट्स चिल्ला रेसिपी। ये भी बहुत सिंपल रेसिपी है, आपको लगेगा ही नहीं कि ओट्स के भी चिल्ले बनाए जा सकते हैं, वो भी इतने इजी वे में और इतने टेस्टी, मजा आ जाएगा खाकर आपको। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी ओट्स चिल्ला रेसिपी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जो है ओट्स चिल्ला रेसिपी। इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉल में मैंने लिए हैं ओट्स, एक बॉल में मैंने लिया है आधी गाजर जिसको कि मैंने बिल्कुल बारीक कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पर मैंने ली है फ्रेश कर्ड, आपने घर पे जमाई हुई दही ही लेनी है, और साथ में मैंने ली है आधी शिमला मिर्च। अब हम इसका चिल्ला बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा यूनिक है, टेस्टी, और स्पेशली मेरी बेटी को तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो ये मैं भी जानती हूँ कि आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। चिल्ला पूरी तरह नहीं सूख जाता उसको ना पलटें, क्योंकि ऐसा करने से ज्यादातर हमारा जो चिल्ला है वो टूट जाता है। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा उसके बाद ही मैं इसको पलट के दिखाऊंगी। आप देख सकते हो चिल्ला जो है वो किनारों से पकना शुरू हो गया है, लेकिन बीच में से ये अभी भी पकना शुरू नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी इसको फ्लिप ना करें। ये जो चिल्ला है वो किनारों से बिल्कुल कुरकुरा हो गया है, इसका मतलब ये कि आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। तो चलिए आइए पलट के देखते हैं कि चिल्ला कितना ज्यादा क्रिस्पी बनके रेडी हो गया है। अब आपको इसको दूसरी तरफ से भी इसी तरह से पका लेना है। जब ये दूसरी तरफ से पक जाएगा तो आपका चिल्ला खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब हमारा जो चिल्ला है वो दूसरी साइड से भी लगभग पूरी तरह से पक चुका है, तो चलिए आइए इसको प्लेट में सर्व करते हैं।
तो ये हमारा रेडी हो गया है ओट्स का शानदार चिल्ला। ये खाने में इतना ज्यादा यमी है और इतना ज्यादा क्रिस्पी एंड टेस्टी है कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वेट लॉस कर रहे हैं, क्योंकि वेट लॉस के दौरान अगर हम इतनी अच्छी चीजें खा सकते हैं और वेट लॉस कर सकते हैं तो हमें और क्या चाहिए। दिस इज वेरी ऑसम। और ये आपने अगर एक बार खा लिया तो आपको कोई और चिल्ला खाने का मन ही नहीं करेगा। इसमें मैंने ऑलरेडी दही ऐड कर दी है, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप इसके साथ दही ना लें। आप ये स्मॉल साइज के दो चिल्ले अपनी डाइट में ले सकते हैं। तो चलिए अब बारी है हमारी आज की लास्ट रेसिपी की। हमारी आज की लास्ट रेसिपी है पालक रवा चिल्ला। रवा मींस सूजी। सूजी हमारा वेट लॉस करने में हमारी बहुत हेल्प करती है और इसे हमारा टमी भी फुल फील करता है। लास्ट चिल्ला हमने बनाया था ओट्स का, जो कि फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं सूजी रवा चिल्ला रेसिपी, रवा पालक चिल्ला रेसिपी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। इसके अंदर आपको सिर्फ पालक का इस्तेमाल करना है और बाकी सिंपल चीजों का इस्तेमाल करके ये रेसिपी बनानी है। और इतनी शानदार है, इतनी यमी है कि आपको ये चिल्ला खा के सच में आप मुझे लाइक करने वाले हैं एंड मुझे थैंक यू बोलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की तीसरी रेसिपी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की तीसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है पालक रवा चिल्ला रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर मैंने लिया है एक बॉल पालक जिसको कि मैंने बारीक बारीक काट लिया है, एक बॉल सूजी जिसको सेमोलिना भी बोला जाता है, एक बॉल दही, ये मैंने लिए हैं यहाँ पर स्प्रिंग अनियंस जो ग्रीन अनियंस आते हैं, क्योंकि ग्रीन अनियंस का फ्लेवर चिल्ले को बहुत ही ज्यादा लाजवाब बनाने वाला है। और साथ ही मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आपके लिए ऑप्शनल रहेंगे, आप इसकी जगह लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये चिल्ला हमें कैसे बनाना है। तो चलिए हमारे 15 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, बैटर ने अच्छे से रेस्ट कर लिया है। आइए चलते हैं हमारा चिल्ला बनाते हैं। आप देख सकते हैं हमारा चिल्ला जो है वो हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है किनारों से, इसका मतलब कि ये पकने वाला है एक साइड से। इसके बाद हम इसे फ्लिप कर देंगे। तो अब हमारा चिल्ला जो है वो रेडी हो गया है, एक तरफ से अच्छे से कुक हो गया है, ये देखिए। आप इसको दूसरी तरफ भी अच्छे से पका लेंगे। टेन टेन, हमारा चिल्ला फ्लिप होने के लिए रेडी हो चुका है। लाइए देखते हैं कि ये कैसा बन चुका है। वाओ, इट्स वेरी क्रिस्पी एंड टेस्टी। तो ये रेडी हो गया है हमारा वेरी क्रिस्पी यमी एंड डिलीशियस पालक रवा चिल्ला, जिसको कि मैंने लाल मिर्च की चटनी के साथ सर्व किया है। कहीं ऐसा मत सोचिएगा कि टमाटो सॉस के साथ खा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, आपको इसको होममेड चटनी के साथ ही खाना है। और ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है खाने में, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो ये थी हमारी आज की तीन स्पेशल रेसिपीज, तीन स्पेशल ब्रेकफास्ट रेसिपीज, जिसको खाकर आप बहुत आसानी से अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी फील करवा सकते हैं, आपका पेट भी भरा हुआ रहेगा, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप वेट लॉस जर्नी में है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। और जम के वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।